उन्नाव से इंकलाब होगा और बदलाव होगा। जी हाँ, उन्नाव में इस वक्त यही नारा समाजवादी पार्टी ने लगाया, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्नाव शहर के जीआईसी मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बारिश की बूंदों के बीच अखिलेश यादव को सुनने के लिए भारी जनसैलाब मौजूद था। अखिलेश यादव ने विजय रथ पर सवार होकर बूंदाबांदी के बीच खुले आसमान के नीचे भीड़ को संबोधित कर जनता से सीधा संवाद किया। 35 मिनट के संबोधन में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी को झूठ की पार्टी कहा। अखिलेश यादव ने कानपुर में प्रधानमंत्री को दिए जा रहे मेट्रो रेल उद्घाटन को समाजवादी सरकार की योजना बताई। अखिलेश के पूरे भाषण में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अखिलेश ने 35 मिनट के भाषण में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो नौ की लोगों और यूपी की जनता में राजनीति की चर्चा का केंद्र बना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जीआईसी मैदान पर 12:56 पर उतरा। सपा एमएलसी सुनील सिंह, साजन पूर्व सांसद अनु टंडन, कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी समेत कई नेताओं ने हेलीपैड पर अखिलेश यादव का स्वागत और अभिनंदन किया। करीब 20 मिनट बाद नेताओं से मुलाकात कर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा में चल रही बस पर सवार हुए और इस बीच मैदान ने करवट बदली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी के बीच हुई अखिलेश के समर्थक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए डटे रहे। भीड़ का उत्साह देख अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर बस पर खुले आसमान में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर हौसला बढ़ाते दिखे। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान उन्नाव के क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद, कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि मौलाना हसरत मोहानी को याद कर उन्नाव की जनता से रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्नाव की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी को प्यार और मोहब्बत दी और एक बार फिर उन्नाव की जनता से इसी का समर्थन मांग रहा हूं। अखिलेश ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सपा सरकार पर साइकिल दुर्घटना में सांस से मरने वालों को सरकार से 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सरकार उद्योग और कारखानों को बनाने पर काम कर रही है। उन्नाव के लोगों को एक बार फिर समाजवादी सरकार को मौका दे और जनता से सरकार बनाने की मांग अखिलेश यादव ने मंच से की। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव कलम और तलवार की धनी है, देश और समाज को दिशा देने का काम किया है। समर्थक बता रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा, उन्नाव से इंकलाब होगा और बदलाव होगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं, किसानों को खाद तक नहीं मिली, बाबर योगी कभी झूठ नहीं बोलता ऐसा मैंने सुना है। अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा झूठ बोलते हैं। कानपुर का कारोबारी पीयूष जैन पर तंज कसते हुए बोले कि पहली खोज होगी कि जहां इतने रुपए मिले होंगे। रुपया समाजवादियों का नहीं बल्कि भाजपाइयों का है, फोन कॉल का डिटेल निकाल वालों सब पता चल जाएगा। इस बार बाबा की सरकार बचने वाली नहीं। कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में इलाज नहीं मिला, बेड नहीं मिला, गंगा में लाशें बह रही थी। ये गुमराह करने वाले हैं और किसानों का धोखा देने वाली सरकार है। ये शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। कानपुर में मेट्रो का भी उद्घाटन सपा सरकार में हुआ था। अखिलेश यादव ने 35 मिनट के भाषण में बीजेपी पर खूब निशाना साधा। बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यादव ने एक बार भी कांग्रेस और बसपा पर कुछ नहीं बोला और उन्होंने सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साधा। अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान 6 पत्रकारों के मोबाइल भी चोरी हो गए और चोरी होने के साथ ही पत्रकारों के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर धक्का मुक्की की। इसके अलावा 2 पत्रकारों के पर्स भी गायब हो गए। वहीं बात करें तो जनसभा के दौरान 25 से अधिक मोबाइल भी चोरी हुए। इसके अलावा कई लोगों के पर्स भी चोरी हो गए। एक तरफ अखिलेश यादव उन्नाव में इंकलाब का और बदलाव का नारा दे रहे थे, कहीं ना कहीं रैली में ही बदलाव हो गया जहाँ पत्रकारों के ही पर्स निकले। ये रुपया भाजपाइयों का है और भाजपा ये कहें कि रुपया उनका नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ, नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है? और हम लोग आप लोग कुछ नहीं जानते, कम से कम उस गड्डी पर तो बैंक का नाम पता लिखा होगा कि जिस बैंक से पैसा निकाला गया है।
ये बैंक तुम्हारी, रुपया तुम्हारा, निकालने वाले तुम्हारे, तो इसलिए बाबा मुख्यमंत्री झूठ मत बोलो, मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। और एक सच्चाई सामने है कि इस बार बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बचने वाली नहीं है।